देखिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, और ये मैंने अपने बच्चों के साथ पहले डिस्कस कर लिया था, तो उन्होंने कहा था मैम लेकर आइए, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिसंबर 2019। ठीक है, एक एक करके आई विल ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरी पेपर का जो है, मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो है, यहाँ पे अनअकैडमी पे भी यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट हो रही है, और अपने चैनल पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है ये पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, यही सेम वीडियो जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करके। अच्छा, सबसे पहले यार चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वॉइस डबल आ रहा है क्या? प्लीज़ टेल इफ वॉइस इज कमिंग टू बी डबल, ऐसा कुछ है क्या? मैं खुद ही चेक करती हूँ। नहीं है भाई, वॉइस डबल नहीं आ रहा, आप अपना रिफ्रेश करो जिसको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये है आपका दिसंबर 2019 का पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर आप लोगों को क्या बताना है? ये वीडियो में मैंने कैमरा तो ऑन कर रखा है, फिर वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस आ क्यों नहीं रहे आप लोगों के पास? लेट मी सी दिस। तो आनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रही वीडियो, वाई इट इज नॉट कमिंग। यहाँ से भी सब कुछ ऑन है। हेलो, ठीक है शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का क्यू 100 एल रेस टू द पावर 0.7, के रेस टू द पावर 0.3, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट? इनमें से कौन से वाला आप लोगों का ट्रू है? इट इज़ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, थर्ड है आप लोगों का इट इज़ हैविंग जीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो है क्या है यहाँ पे आने वाला है। हेलो राखी, हेलो अनु ओझा जी, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा, फिर मैं साथ साथ इन क्वेश्चंस का एनालिसिस जो आप लोगों के लिए करती चले जाऊँगी। ठीक है, कॉफ डोगलस प्रोडक्शन में आपको बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है, सॉरी नेगेटिव में आंसर देना आप लोगों को, नॉट ट्रू। लव फ्रॉम मिर्ज़ापुर, अच्छा, गुड इवनिंग अदिति अग्रवाल, बताइए कौन सा आंसर होगा आपका, क्या बात है, नॉट ट्रू बताना है जो कि सही नहीं है। देखिए, आपको पता है कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन फेमस होता है किस चीज़ से? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। जब किसी चीज़ के अंदर आप लोगों का यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इसके अंदर कभी भी जीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। थर्ड वाला जो आपका गलत है, थर्ड वाला आपका गलत है, तो नॉट ट्रू वाला ही आप लोगों को बताना था, थर्ड जो आपके लिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन द सेविंग फंक्शन -20 प्लस 0.2y एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट i इज इक्वल टू 100 मिलियन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन वुड बी, किस तरीके से आप लोगों का आएगा? देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बात करें मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, चलिए बाद में मैं समझाऊंगी, पहले जो है आप मुझे इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी अबाउट द स्क्रीन। कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो कंजम्पशन है वो आप लोगों का यहाँ पे कितना जो है आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा? 500 आ रहा है, 600 आ रहा है, 400 आ रहा है, 700 आ रहा है। कुछ लोग 500 कह रहे हैं और कुछ लोग जो है क्या है यहाँ पे 600 भी यहाँ पे जवाब जो है क्या है ये दे रहे हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। देखिए, लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, सेकंड आ रहा है। सेकंड कैसा आएगा मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को इक्वल रखो। ठीक है, सेविंग कितनी है -20 प्लस 0.2y, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है आप लोगों का यहाँ पे
100, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखेंगे, कांस्टेंट वाले सब एक तरफ कर लीजिए, ओके। ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -20, दिस वुड बी ऑल्सो -100 हो जाएगा, 0.2y भी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 120 डिवाइड बाय माइनस का 0.2, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आप लोगों की आ रही है 600, ठीक है। 600 आप लोगों का क्या आया है जी, 600 अभी आप लोगों का आया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। क्या आया है, 600 आप लोगों का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए जी, आप लोगों को यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं, वो 600 ही मार्क करके आ जाएंगे। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। इनकम को या तो इंसान कंज्यूम करेगा या सेव करेगा, है ना। 600 और सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पे माइनस करवाएंगे तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, कंजम्पशन की वैल्यू आप लोगों को कितनी नज़र आएगी, 500 जो है वैल्यू ऑफ कंजम्पशन आप लोगों का आ जाएगा। क्लियर, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर आप लोगों का 500 जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन एज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या है आपको दे रखा है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एट क्यू इक्वल टू 10 कितनी होगी, 20 होगी, 10 होगी, 30 होगी या फिर 50 होगी। कम ऑन गाइस, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। थैंक यू अंकुर, बताइए इसके बारे में, वट इज द आंसर कमिंग हेयर, 20, 10, 30, 50, फिर मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगी इसका, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, देखिए क्या करना है, अगर आपको एमसी चाहिए, एमसी के लिए व्हाट यू हैव टू डू, एमसी के लिए यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में। कितना आ रहा है, 1/10 क्यू की क्यू, ठीक है, -3Q² प्लस 50Q प्लस 300। ये सारा का सारा आपको किस पे निकालना है, एट क्यू इक्वल टू 10 के ऊपर आप लोगों को ये वाली चीज़ जो है क्या है यहाँ पे ये करनी है, ओके। तो जैसे ही आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या मतलब है, इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3Q² / 10, पावर रूल आप लोग लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपका 2 आगे आ जाएगा, दिस वुड बी 6Q, फिर आप लोगों का 50Q, क्यू का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, 300 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब ये सारी चीज़ें जो है मुझे मार्जिनल कॉस्ट किस पे चाहिए थी, एट क्यू इक्वल टू 10 पे चाहिए थी, तो मैं क्यू को क्या कर दूंगी, क्यू को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी, किससे, 10 से। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप इसको रिप्लेस कर देंगे, कितना आ रहा है भाई, 30 - 60 + 50, कितना आ गया राइट आंसर, कम आउट टू बी 20 जो है आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वुड बी द राइट क्वेश्चन, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ गिवन सिचुएशन PX इज इक्वल टू 170, PM इज इक्वल टू 190, ZX इज इक्वल टू 152, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, के बारे में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो आप लोगों को यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। 136, 148, 84 या 116, कम ऑन गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। वन आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिए आपको बता देते हैं। चाहे आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड या आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, दोनों टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है आप लोगों के ये किसने दिए हैं जी, बोथ हैव, बोथ बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बिन गिवन बाय दी
जैकॉब विनर ने जो है ये दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को निकालना है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है, ZX मतलब एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय PX डिवाइड बाय PM। मैं किसी को भी नहीं दिख रही, मेरा कैमरा आई डोंट नो वर्क नहीं कर रहा OBS के अंदर, तो मैं खाली सिर्फ आवाज़ से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का जी सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का, राइट। ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड का है जी क्वेश्चन, ना तो ये माइक्रो का है ना ही ये मैक्रो का है, राइट। तो PX आप लोगों का कितना हो जाएगा, PX हो जाएगा आप लोगों का 170, और PM कितना दे रखा है, PM दे रखा है आप लोगों को 190 दे रखा है, एंड दिस वुड बी मल्टीप्लाई बाय 152, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अक्सर बोलते हैं यार पेपर में करने के लिए शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट ये है कि आप चिल वाले माइंड से अगर आराम से आप जो है अपनी बेसिक कैलकुलेशन भी करते हैं तो भी आप लोगों का आंसर क्या आ जाता है, सही आ जाता है। इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो द सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आप लोगों का कितना निकल कर आएगा जी। थैंक यू, गुड इवनिंग शिवानी। सो दिस वुड कम आउट टू बी 136 आ जाएगा, ठीक है। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में तो हमने बात कर ली। अगर आपसे पेपर में डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछे तो आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस है। नेट बाटा टर्म्स ऑफ ट्रेड तो आपने लेना ही है, यानी कि PX डिवाइडेड बाय PM ये तो आप लेंगे ही। इसको आप मल्टीप्लाई करा देते हैं ZX से डिवाइडेड बाय ZM, एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इम्पोर्ट प्रोडक्टिविटी जो है क्या है ये हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना आएगा, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। बहुत ही खास किस्म की मैट्रिक्स है ये, इसका आप लोगों को क्या करना है, इसका आप लोगों को यू हैव टू टेल मी अबाउट दी इनवर्स के बारे में बताना है। देखिए इस मैट्रिक्स में आपको खास बात क्या दिख रही है, इस मैट्रिक्स में आप लोगों को खास बात दिख रही होगी कि ये जो है एक तरीके की डायगनल मैट्रिक्स है। तो डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है यार, डायगनल मैट्रिक्स में अगर आप डायगनल के एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दें, ऑल ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स वुड बी जीरो, बाकी के बाकी सारे जो आप लोगों के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कैसे हो जाते हैं, वो एलिमेंट्स आप लोगों के यहाँ पे जीरो हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों की क्या है, ये भी एक तरीके की डायगनल मैट्रिक्स जो है आपको यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। मैम ये नहीं दिख रहा, और बड़ा करूँ क्या, लो अब तो दिख गया होगा, इससे ज्यादा जूम तो फिर नहीं, इससे ज्यादा जूम में गड़बड़ हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है, डायगनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो आप चुटकी में निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, डायगनल एलिमेंट्स का आपको कर देना है रेसिप्रोकल। तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे ये आ जाएगा 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/5 दैट इज 0.2, और 1/1 कितना आता है आप लोगों का 1। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लोगों का क्या है, मैम आप फ्री क्लासेस भी लेते हो? हाँ जी बिल्कुल, मैं इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस भी लगाती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तान्या इकॉन पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी फॉलो कर लो, सो दैट आपको मेरा रोज का शेड्यूल जो है पता लगता रहे। कल भी मेरी क्लास है, 3:15 पे मैं अनअकैडमी पे लाइव आऊँगी रिवीजन लाइव सीरीज के तहत, और 5 बजे जो है मुझे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाना है। तो सीधा जाओ अनअकैडमी पे और मुझे फॉलो कर लो, तान्या भाटिया अनअकैडमी डालते ही आप मुझे जो है ये देखिए ऐसे मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, सब कुछ पता लग जाएगा मेरे बारे में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मुझे जूम हटाना पड़ेगा। लो भाई, कंसीडर एन इकोनॉमी विद अ लीनियर कर्व होमोजेनियस कर्व डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन विद टू इनपुट्स कैपिटल एंड लेबर। द शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर रिस्पेक्टिवली 1/3, 2/3। द रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर 6% एंड 3% पर एनम, ओके। और उसके बाद जो है क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज 6% पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ड्यू टू TFP।
देखिए ये क्वेश्चन जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का फेमस होता जा रहा है। 1% आएगा, 2% आएगा, 3% आएगा या फिर 4% जो है क्या है आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसका मैं थोड़ा सा ना पेन का मैं साइज छोटा करूँ। येस आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, यू कैन फॉलो मी बाय तान्या इकॉन डालेंगे तो आपको मैं हर जगह मिल जाऊंगी। यूट्यूब एवरीवेयर यू कैन बेसिकली फाइंड आउट मी। अनअकैडमी पे भी तान्या इकॉन, हर जगह मैं तान्या इकॉन के नाम से मिलती हूँ। आई एम तान्या भाटिया, यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके गुड इवनिंग नवीन मित्तल। हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है? कुछ लोग 2% कह रहे हैं और कुछ लोग आंसर 4% भी कह रहे हैं। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसका आंसर क्या होगा जी। देखिए यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने का मतलब क्या है? शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर आप लोगों को दे रखी है। सो दिस वुड बी लाइक दिस, वाई ए राइट, और एल जो है आप लोगों का क्या है, कैपिटल रेस टू द पावर अल्फा, एल रेस टू द पावर बीटा। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने से क्या हो जाएगा, एक ग्रोथ रेट बताएगा। दिस इज नाउ ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, दिस इज ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर लॉग एम की पावर एन होती है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एन लॉग एम, रिमेंबर। सो दिस वुड बी अल्फा लॉग के, दिस वुड बी बीटा लॉग एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट कितना है, 6%। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ड्यू टू टीएफपी यानी कि लॉग ए आपको निकालना है। अल्फा कितना होगा, अल्फा मतलब कैपिटल का शेयर, कैपिटल का शेयर है आप लोगों का 1/3। लॉग के कितना है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है 6%। बीटा आप लोगों का कितना है, 2/3। और ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो आप लोगों का कितना है, 3%। जो कट रहा है उसे कट कर दीजिए। ठीक है, 2 + 2 कितना हो गया, 4। और ये वहाँ पे जाके जो है क्या है, माइनस कर देंगे आप इसको, 6 - 4। तो लॉग ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2% जो है आप लोगों की लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी। ग्रोथ रेट ड्यू टू फैक्टर प्रोडक्टिविटी आप लोगों का जो है कितना आ जाएगा, ठीक है, 2% जो आपका ये आ जाएगा। ठीक है मैम, जो टेस्ट सीरीज है उसमें इकोनॉमिक्स का नहीं दिख रहा, सी ऑल करके देखा था, नहीं दिखेगा बिल्कुल अंकुश। कल सुबह मैंने जैसे आप लोगों को बताया, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लो, जिसको भी दिक्कत है ना, ये मैंने स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है। और इधर ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक भी दिया है सीधा टेस्ट सीरीज का, इस लिंक से आप जो है सीधा टेस्ट सीरीज में पहुँच जाएंगे। और स्टार्टिंग की मत देखना, सीधा जो हमारा 6 सितंबर वाला लास्ट वाला जो वीक है ये देखिए, अनअकैडमी चैंपियनशिप फॉर एनटीए यूजीसी नेट दिख रहा है ना आपको, ये अभी थोड़ा सा लोडिंग होने में इसको टाइम लगेगा। तो लेट मी शो यू द लाइव भी दिखा देती हूँ मैं आपको, 6 सितंबर को है तो सीधा 6 सितंबर पर जंप मारिए। ठीक है, ये रहा ना 6 सितंबर वाला खुल गया आप लोगों का सारा जो है क्या है यहाँ पे। अब देखिए इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इट इज़ एट 8 AM दिख रहा है, मॉक टेस्ट 1 ऑन इकोनॉमिक्स एनटीए यूजीसी नेट 8 AM। एंड उसके बाद शाम को मैं जो है 6 सितंबर को 5 बजे ये रहा, इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट 1 बाय तान्या भाटिया, ये मेरी क्लास है। इसके अंदर मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करवाऊँगी, एनालिसिस जो है मैं आप लोगों को करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि अभी 6 सितंबर आई नहीं है इसलिए मेरे अकाउंट से मतलब ऐसा दिखा रहा है, आप लोगों के अकाउंट से ऐसा नहीं दिखाएगा। तो कल आप लोगों का टेस्ट है, वो भी फ्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजम्पशन द वैल्यू ऑफ इनकम मल्टीप्लायर इज के इज इक्वल टू 12, राइट, कर लीजिए जरा इसे। देखिए के इज इक्वल टू 4 आएगा, ऐसा कौन से वाला कंजम्पशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली चीज होगी, व्हाट्सएप पर भी भेज दिया लिंक अंकुश, व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह आप चेक तो करो, जाके आप चेक ही नहीं करते आप लोग, मैं क्या करूँ। ठीक है, थोड़ा तो आपको भी चेक करना पड़ेगा ना। देखिए अगर k की वैल्यू 4 है, k का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय
वन माइनस एम पी सी, इसको सॉल्व कर लो राइट. सो फोर माइनस वन फोर एम पी सी, थ्री डिवाइड बाई फोर, जहाँ पे एम पी सी की वैल्यू थ्री बाई फोर आ जाए, थ्री बाई फोर मतलब 0.75, जहाँ पे एम पी सी की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी, यही आप लोगों का क्या है, दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग आंसर. तो खाली एक ही ऑप्शन में एम पी सी की वैल्यू जो है 0.75 है, दैट्स वाई योर करेक्ट ऑप्शन है वुड बी सी, जो है आप लोगों को थर्ड वाला आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. क्लियर? सो गाइज दैट्स इट, हियर वी हैव कवर्ड दी पूरा का पूरा. मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल पार्ट जो है क्या है सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर अप जो है मैंने यहाँ पे करवा दिया. दिस इज़ अराउंड दी दिसंबर 2019 वाले पेपर का आपका था, और आगे भी इस सीरीज़ को मैं ऐसे कंटिन्यू रखूँगी डेली. आप लोगों के ऐसे पाँच सेशंस हैं जिसमें और भी आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पार्ट शुरू होते रहेंगे. और गाइज अगर आप लोग अन अकेडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, अगर आप एन टी ए यू जी सी नेट की प्रिपरेशन जो है बेसिकली आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो क्या कुछ मिल रहा है इकोनॉमिक्स में खास, मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ. देखिए इकोनॉमिक्स में आप लोगों को मिल जाएगा हेयर यू वुड फाइंड दी कंप्लीट कोर्स पी वाई क्यूज 2004 to 2019 वाले. देन वी हैव रिविजन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स का स्पेशल कोर्स. 6 months का सब्सक्राइब करने का फीस 1400 पर मंथ है, 12 months का 875 है, 24 months का 700 पर मंथ है. इसके अलावा 3 महीने का भी ऑप्शन होता है, 3 months का 1750 पर मंथ है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी 9818369115 के ऊपर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. और मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, साथ में मिलेगा पेपर वन मुफ्त 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 यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, अन अकेडमी पर जाके फॉलो कर लीजिएगा मुझे अगर फॉलो ना किया हो. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मेरी प्रोफाइल जो है मिल जाएगी. मेरी अपकमिंग फ्री क्लास भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है. ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही विल प्रोवाइडेड. और कल का जो आपका मॉक टेस्ट है उसे मत मिस कीजिएगा. दिस इज़ हैपनिंग इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अन अकेडमी, पहली बार हो रहा है इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए. और फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना. ठीक है, हाँ जी, कल 3:15 पे भी क्लास है और कल आप लोगों की 5 बजे भी क्लास जो है आप लोगों की होगी. ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर टू.